नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सर्वनु तमारी पोतानी यूट्यूब चैनल ओशन कोचिंग क्लासेस पर। मित्रों, धोरण 9નું વિજ્ઞાન વિષયનું જે નવું પાઠ્યપુસ્તક આવ્યું છે રિડ્યુસ સિલેબસ મુજબનું, એટલે કે ઘટાડેલા અભ્યાસક્રમ મુજબનું, તે નવા પાઠ્યપુસ્તક પ્રમાણેના પ્રકરણ નંબર 1 જે છે આપણી આસપાસમાં દ્રવ્ય, તેનું જે સ્વાધ્યાય છે તેનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના आ नवा पाठ्यपुस्तक प्रमाणेना बधा जे पाठ है तेमना स्वाध्यायना सोल्यूशन मूकवामां आवे छे, जेनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्सनी अंदर मळी जशे। तेमज आ तमाम स्वाध्यायना सोल्यूशननी पीडीएफ आपणी एप्लिकेशन पर मूकवामां आवे छे, तो जरूरथी एप्लिकेशन पण डाउनलॉड करी लेजो। चालो तो शरू करीए। धोरण 9 नो जे विज्ञान विषय है नवा पाठ्यपुस्तक मुजबना तेना प्रकरण नंबर 1 ना स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन। प्रश्न नंबर 1 में आपने कहूँ है कि नीचे दर्शावेल तापमानों ने डिग्री सेल्सियस मापक्रम में दर्शाओ। तो अँ तब जी सको कि आपने आपेलू है 293 केल्विन, तो 293 केल्विन ने डिग्री सेल्सियस में दर्शाव हो तो 293 के माइनस 273 करवा पड़ से, तो 293 में 273 जैसे तो 20 अंश सेल्सियस वधशे। एवी रीते बी है 470 के, तो 470 के में 273 के बाद करिए तो जवाब आवशे 197 सेल्सियस। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, नीचे दर्शावेल तापमानों ने केल्विन मापक्रम में फेरवो, एटले के सेल्सियस में आपेला है एमांथी केल्विन में फेरववाना छे, तो 25 अंश सेल्सियस आपेलू है, केल्विन में फेरववा माटे प्लस 273 करवा पड़शे, तो 25 अंश सेल्सियस प्लस 273 एटले थशे 298 केल्विन। एवी रीते आपणे आपेलू है 373 सेल्सियस, एने आपणे केल्विन में फेरवा होय तो प्लस 273 करवा पड़शे, एटले जवाब आवशे 646 के। मित्रों, आपणे तमारा माटे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक जबरजस्त एप्लिकेशन लॉन्च करेली छे। आ एप्लिकेशननी अंदर तमने धोरण 3 થી 12 ना बधा ज विषयना समजूती, स्वाध्याय, स्वाध्ययन पोथी, गाला स्वाध्याय पोथी, प्रश्न बैंक, असाइनमेंट, प्रश्नपत्र अने बीजा घणा बधा प्रकारना जे सोल्यूशन छे एनी पीडीएफ तमने आपणी एप्लिकेशन परथी मळी जशे। तो जरूरथी आ एप्लिकेशन प्ले स्टोर पर जईने डाउनलॉड करजो, अथवा तो आ एप्लिकेशन जे छे तेनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मळी जशे, त्यांथी पण तमे डाउनलॉड करी शकशो। तो जरूरथी डाउनलॉड करी लेजो, तमारा मित्रोने पण करावजो अने आ पीडीएफ नो अभ्यास करजो। चालो त्यार पछी आपणे जोईए प्रश्न नंबर 3। अहीं कह्युं छे के नीचे दर्शावेल अवलोकनों माटेना कारण दर्शावो, तो एमां ए अहीं आपने आपेलू है कि नेप्थेलिननी गोळी एटले के डामरनी गोळी समय जतां कोईपण धन अवशेष छोड्या विना ज अदृश्य थई जाय छे, तो जोईए उत्तर। नेप्थेलिन ए उध्वपातन पामतो घन पदार्थ होवाथी ओरडाना तापमाने तेनुं घन अवस्थामांथी वायु अवस्थामां रूपांतर स्वतः थाय छे, आथी नेप्थेलिननी गोळी एटले के डामरनी गोळी समय जतां कोईपण धन अवशेष छोड्या विना ज अदृश्य थई जाय छे। त्यार पछी आपणे जोईए बी, आपणने अत्तरनी सुगंध अथवा तो सुवास घणा लांबा अंतर सुधी आवे छे, तो जोईए उत्तर। अत्तर ए अति बाष्पशील प्रवाही छे, आथी तेनुं ओरडाना तापमाने वायु अवस्थामां रूपांतर थाय छे। आ वायुना घटक कणो हवामां झडपथी प्रसरे छे, वायुना अणुओनी गति ज ऊर्जा वधु होवाथी ते लांबा अंतर सुधी फैलाई शके अथवा तो प्रसरी शके छे, तेथी आपणने अत्तरनी सुगंध अथवा तो सुवास घणा लांबा अंतर सुधी आवे छे। चलो त्यार पछी आपणे जोईए प्रश्न नंबर 4। अहींया आपणने कह्युं छे के नीचे दर्शावेला पदार्थोने तेमना कणो वच्चे वधता जता आकर्षण बळ अनुसार योग्य क्रममां गोठवो, तो अहींया पाणी, खांड, ऑक्सिजन आपणने आप्युं छे, तो सर्वप्रथम ऑक्सिजन आवशे, त्यार पछी पाणी अने त्यार पछी आवशे खांड। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 5। अहींया कह्युं छे के नीचे दर्शावेला तापमानोए पाणीनी भौतिक अवस्था कई हशे, अहींया 25 अंश सेल्सियस, 0 अंश सेल्सियस अने 100 अंश सेल्सियस आपेलुं छे, तो तापमान 25 अंश सेल्सियस ज्यारे होय त्यारे भौतिक अवस्था प्रवाही हशे, 0 अंश सेल्सियस हशे त्यारे घन अने प्रवाही हशे, अने 100 अंश सेल्सियस ज्यारे हशे त्यारे प्रवाही अने वायु हशे। चालो त्यार पछी प्रश्न नंबर 6। नीचेना वाजबीपणा माटे बे कारणों आपो, एमां ए पाणी ओरडाना तापमाने प्रवाही स्वरूपमां होय छे, તો ઉત્તર, ઓરડાના તાપમાને પાણી સરળતાથી વહી શકે છે, પાણીને ચોક્કસ આકાર હોતો નથી, આથી પાણી ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં હોય છે। ત્યાર પછી બી, લોખંડની તિજોરી ઓરડાના તાપમાને ઘન સ્વરૂપમાં હોય છે। ઉત્તર, લોખંડની તિજોરી ચોક્કસ આકાર અને કદ ધરાવે છે, તેનું સરળતાથી આપમેળે સ્થાનાંતર થઈ શકતું નથી, તે અદબનીય તેમજ દ્રઢ છે, आथी लोखंडनी तिजोरी ओरडाना तापमाने घन स्वरूप में होय छे। त्यार पछी आपणे जोईए प्रश्न नंबर 7। अहींया कह्युं छे के 273 केल्विन तापमाने बरफ तेज तापमाने रहेला पाणी करता वधु ठंडक उत्पन्न करे छे, शा माटे? तो जवाब आवशे 273 केल्विन तापमाने बरफना कणोनी ऊर्जा तेज तापमाने रहेला पाणीना कणो करता ओछी होवाथी वधु ठंडक उत्पन्न करे छे। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 8। उकळतुं पाणी अने वराळ पैकी दजाड़वानी क्षमता कोनामां वधु मालूम पड़े छे? उत्तर, उकळतुं पाणी अने वराळ पैकी दजाड़वानी क्षमता वराळमां वधारे मालूम पड़े छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 9। नीचे दर्शावेल आकृति माटे ए बी सी डी ई तथा एफनी अवस्था रूपांतरने नामांकित करो। चालो, अहींया ए आपणने आप्युं छे, घनमांथी प्रवाहीमां रूपांतर थाय छे तो एने गलन कहेवाय। त्यार पछी बी, हवे बी अहींया तमे जोई शको छो कि भाई प्रवाहीमांथी वायुमां रूपांतर थाय तो एने बाष्पीभवन कहेवाय। त्यार पछी सी, एटले के वायुमांथी प्रवाहीमां रूपांतर थाय तो एने संघनन कहेवाय। त्यार पछी डी आपणने अहींया आपेलुं छे कि भाई प्रवाहीमांथी घनमां रूपांतर थाय तो एने घनीकरण कहेवाय। त्यार पछी अहींया ई, तो अहींया तमे जोई शको छो कि घन पदार्थ छे एमांथी सीधुं वायुमां रूपांतर थाय तो एने उध्वपातन कहेवाय। अने त्यार पछी एफ, एटले के वायुमांथी सीधुं घनमां रूपांतर थाय तो एने बाष्पनुं घनीकरण। मित्रों, आपणे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक सरस मजानी एप्लिकेशन लॉन्च करेली छे। आ एप्लिकेशननी अंदर तमने धोरण 3 થી 12 बधा ज विषयनी समजूती, स्वाध्याय, स्वाध्यन पोथी, गाला स्वाध्याय पोथी, प्रश्न बैंक, असाइनमेंट, प्रश्नपत्र अने तमाम प्रकारना सोल्यूशननी पीडीएफ मळी जशे। तो जरूरथी एप्लिकेशन डाउनलॉड करजो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्समां आपेली छे। आपणा व्हाट्सएप ग्रुपमां पण जरूरथी जोड़ाई जजो, जेथी करीने आवा तमाम विडियो जे छे तेनी लिंक तमने व्हाट्सएप पर प्राप्त थती रहे। मित्रों, आ वीडियो पसंद आयो होय तो लाइक करवानुं, तमारा मित्रों साथे शेर करवानुं अने आपणी चेनलने जो सब्सक्राइब न करी होय तो जरूरथी करी देजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 2 ना स्वाध्यायना, एटले के नवुं पाठ्यपुस्तक जे आव्युं छे रिड्यूस सिलेबस प्रमाणेनुं, घटाडेला अभ्यासक्रम प्रमाणेनुं, ए नवा पाठ्यपुस्तक प्रमाणेना जे स्वाध्याय छे तेना सोल्यूशन साथे।